रेल सप्ताह 2019 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर रेलवे के चिकित्सा विभाग का पुरस्कार वितरण समारोह बृहस्पतिवार को रेलवे अधिकारी क्लब में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एन के यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एन के यादव ने मुख्यालय एवं तीनों मंडलों के 70 चिकित्सा कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया तथा मुख्यालय गोरखपुर एवं तीनों मंडलों के विभिन्न चिकित्सालयों व स्वास्थ्य इकाइयों को सामूहिक पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर चिकित्सा निदेशक ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर डॉक्टर राजीव सक्सेना, अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर यूएम नाग एवं डॉक्टर डी के सिंह, मुख्य स्टाफ सर्जन डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एम एस नाबियाल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इज्जतनगर डॉक्टर अरुण खुन्नू, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर नीरज कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लखनऊ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी गोंडा डॉक्टर एस के मिश्र सहित चिकित्सा विभाग के पैरा मेडिकल स्टाफ एवं कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे कला समिति के कलाकारों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंजना लाल वरिष्ठ लिपिक तथा संयोजन अमरनाथ उपाध्याय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर यू एस नाग ने किया।